के तूफान के बाएं दफातर और तालीमी इदारों में हाजिरी इंतहाई कम रही। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ लीडरशिप एंड इंटरप्रेन्योरशिप के दे एहतमाम तकीद से पाकिस्तान के सबक वजीर आजम शौकत अजीज ने खिताब किया। तकीद से खिताब करते हुए सबक वजीर आजम शौकत अजीज ने कहा कि दुनिया को अब जितने चैलेंजों का सामना है पहले कमी ना था और आज की कमी और इकतसादियात बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। शौकत अजीज का कहना था कि चीन का इकतसादी सामने आना पाकिस्तान के लिए खुशआइन है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की कोई हद नहीं, खुद भी दहशतगर्दी का निशाना बन चुका हूँ। पाकिस्तान ने अमरीका से दोस्ती के बावजूद बेपनाह पाबंदियों का सामना किया है। दोनों ममालिक से ताल्लुकात मुतनाज़ रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद है। कुवैत में एशियाई तवानाई की चौथी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहद अरब अमीरात, चीन, इंडिया सारी ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान के वफाकी वजीर जिसकारी पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल के वफाकी वजीर सैयद नवीद कंवर ने कुवैत के वजीर तेज और इत्तिलात शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह और चीनी वजीर तवानाई से मुलाकात की। सैयद नवीद कंवर का कहना था कि पाकिस्तान को ईंधन और तवानाई के मुतबादल ज़राए दरकार है। हुकूमत पाकिस्तान पहले ही पेट्रोलियम सेक्टर में 2.58 अरब डॉलर की सब्सिडी दे चुकी है। नवीद कंवर का कहना था कि शेख, ये खबर लगी हमारी आर्मी बराबरी।